हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिदा ढाबा। लॉकडाउन का वक्त है और ऐसे में सब बच्चे चिप्स खाने की जिद करते हैं, तो आइए देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं राइस के नैचोस, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप राइस फ्लोर और इसके साथ 1/4 कप राइस फ्लोर, 1 कप पानी, ऑनियन 1 ऑनियन एंड 7 to 8 गार्लिक्स, और मसाले में हमें चाहिए सिर्फ जीरा। सबसे पहले हम ऑनियन और गार्लिक को बारीक पीस लेंगे ग्राइंडर में, और हम इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। तो आइए पीसते हैं इसको। अब हमारा ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है, आप देख सकते हैं ऑनियन और गार्लिक बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। इस पेस्ट में हम थोड़ा सा 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसको दोबारा अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये अब अच्छे से ग्राइंड हो गया है और इधर हमारा 1 कप वाटर भी बॉईल हो रहा है। इसमें हम राइस फ्लोर डाल देंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे। 1/4 कप राइस फ्लोर मिला देंगे और हम इसमें धीमी आंच कर देंगे और इसमें ये वाला पेस्ट भी अच्छे से मिला देंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो गार्लिक मत यूज़ करिए, ऑनियन यूज़ करिए। इस पेस्ट को हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। हम 1 टीस्पून ऑयल मिलाएंगे और सॉल्ट एज पर द टेस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। एक ये डो तैयार हो जाएगा। अब इसमें अच्छे से डो बनाने के लिए हम थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए अच्छा सा डो तैयार हो गया। अब हम इसकी गैस की आंच को बंद कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद हम इसका लिड बंद कर देंगे करीब 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम इस पूरे डो को एक बोल में निकाल लेंगे। ये गरम डो है, गरम डो में ही हम इसमें 1 चम्मच ऑयल मिक्स करेंगे और इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। थोड़ा गरम है तो ध्यान से करिए, स्पून की सहायता से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये आपका डो तैयार हो गया है जिससे हम लोग बनाएंगे अब राइस नैचोस। इसको गरम फॉर्म में ही हम अच्छे से इसका डो बनाएंगे हाथ से। और हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है, गरम कर रहे हैं ऑयल को। अब हम एक अच्छी सी जितना लोई लेते हैं एक रोटी के लिए, 2 रोटी की लोई लेंगे और इसको बेलेंगे। अब हमने थोड़ा सा ड्राई राइस फ्लोर लिया है, इसमें अच्छे से हम इसको लोई को रोल कर लेंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। रोलर पिन से हम इसको अच्छे से बेलेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपके जो बॉर्डर है इसका टूटे या थोड़ा सा बेकार सा हो, कोई बात नहीं है, हमको अच्छा सा बीच में से पोर्शन इसमें से निकालना है। थिन बेलेंगे, देखिए इतना थिन हमने बेला है, ऐसा थिन हम बेल लेंगे। बहुत अच्छा सा पीस ले लेंगे। अब बेलने के बाद हम इस तरह का स्क्वायर पीस निकाल लेंगे, फिर से एक बीच में से कट देंगे क्योंकि हमें इससे ट्रायंगल्स निकालने हैं, और फिर ऐसा ट्रायंगल्स निकालेंगे।
ये देखिए ऐसे ट्रायंगल पीसेस है, और फ्राई करने के पहले हमें फोक लेकर इसमें छेद कर देना है ताकि ये फूले ना, अच्छे से छेद कर देना ताकि ये फूले ना। इस तरह से हम सबको ऐसे छेद कर देंगे फोक से, और इस तरह से फोक करने के बाद अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें छेद करने की वजह से क्या होगा कि अब ये फूलेंगे नहीं, फ्लैट ही रहेंगे जैसे कि नैचोज होते हैं। अभी इसको होने देंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ये, जब एक बार लाल हो जाएगा तभी पलटेंगे। इस तरह का लाल होने तक हमें भूनना है अच्छी तरह, जैसे हम नैचोस खाते हैं मार्केट के, बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए अब और टेस्ट के लिए हम अपने इस राइस नैचोस में हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे और हल्की सी रेड चिली। मिक्स करने के लिए इसको लिड हम बंदेंगे और धीरे धीरे इसको टॉस करेंगे। तो ये देखिए हमारे तैयार है राइस नैचोस। तो देखिए दोस्तों हमारा तैयार हो गया राइस नैचोस। इसको टी के साथ एज अ स्नैक खा सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू मेक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब रुचिदा ढाबा।